हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे यहाँ का मौसम बड़ा ही बेरहम, बड़ा ही मस्त हो रखा है, देख सकते हैं। तो हम आज जा रहे हैं स्विमिंग करने। स्विमिंग करने के लिए जो हमारा स्विमिंग पूल है वो घर से थोड़ा सा क्या मतलब 5-10 किलोमीटर दूर है। तो हम घनी उतराई उतर रहे हैं अभी। आई विल शो यू गाइज सी, हम ऊपर पहाड़ से चढ़ के आए हैं नीचे को। वो बहुत ही ऊपर, वो जो देख रहे हैं ऊपर, वहाँ मेरा घर है और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। ये दो साथी मेरे साथ है, हम अभी चल रहे हैं। तो वो जो स्विमिंग पूल है वो बड़ा ही ख़तरनाक स्विमिंग पूल है। मतलब उस स्विमिंग पूल की ये खासियत है, दुनिया भर से लोग वहाँ स्विमिंग करने आते हैं। हमारे शहर से लोग वहाँ स्विमिंग करने आते हैं, लेकिन वो और एक और चीज़, उस स्विमिंग पूल में मैं पहली बार स्विमिंग करने जा रहा हूँ, बल्कि वो मेरे गाँव के साथ ही एक गाँव है वहाँ है। तो अब देखते हैं वहाँ का स्विमिंग पूल कैसा है। मैंने सुना है बहुत ही भयंकर है, वाटरफॉल और क्या कहते हैं टाइलें लग रखी है, बड़ा एकदम मस्त। तो आई होप कि वो बहुत अच्छा होगा, आज उसमें हम तैरेंगे भी और जेसीबी की खुदाई। और हम मेन रोड यहाँ पहुँच गए, अब मेन रोड से बस हल्का सा बचा है। अब हमें यहाँ से जो मेन रोड है, हमें यहाँ से चलते कम से कम अभी आधा किलोमीटर और चलना है। अब तो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम अभी ऊपर परी से आए हुए बहुत। सो गाइज लेट्स सी वो स्विमिंग पूल कैसा होगा। तो गाइज हम पहुंचने वाले हैं जस्ट, और ये देखिए ये उतर रहा है। मोटे होने के फायदे, ये स्विमिंग पूल, वही टाइलों वाला ये स्विमिंग पूल। ओ आरा भाई जी, अरे तुमने तो बना दिया मेरा घर से फालतू में बुलाया आपको। मैं बढ़िया रेस्ट कर रहा था गाइज, और इन्होंने देखो यहाँ बुलाया मेरे को। नेचुरल ब्यूटी स्विमिंग पूल। सो गाइज अभी मेरी हालत बड़ी टाइट हुई है, क्योंकि मैं वो ही चढ़ाई नीचे से चढ़ के आया हूँ, ये वाली बड़ी ही बुरी हालत। बड़ी मुश्किल से हाथ में कैमरा पकड़ा है, जो आपको सीन पानी बता पाऊँ। सीधे में पहुँच गया मैं, वो था नीचे गया, वो उधर नीचे। वो दो भी आ रहे हैं यहाँ से परे से अभी, तो बस उन्हीं का वेट मैं कर रहा हूँ, वो कब जैसे आए। तो भाई जिसका वेट मैं कर रहा था वो दो बांदर भी आ गए, एक है इधर और एक है इधर, इन्हीं का वेट मैं कर रहा था। तो हम चलते हैं घर की ओर। क्या थी पसीने छूट गए, तो शिट हो गया। ये है हीरो, ये है हीरो लेजेंड। गाइस सीन ऐसा है, हम लेकिन उस रास्ते से नहीं जा रहे, हम जा रहे थोड़ा लॉन्ग कट से, क्योंकि लॉन्ग कट जो है वो पहाड़ घूम के ऐसे सीधा 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 जाता है, लेकिन जो शॉर्टकट है वो उस साइड से है, वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे ऊपर को जाता है। तो वहाँ से थकने के ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन थक तो यहाँ भी लग रही है। तो हम पहुँच गए, ये सड़क हमारी बस इससे आगे तक का रास्ता नहीं है इस सड़क में, वो हम जाएंगे यहाँ से इस रास्ते से। वो गाइस हमारे साथ हो गया एक, यहाँ कुत्ता है जो भौंक रहा है और उसे डर लग रहा है यहाँ से। वैसे हमारे को भी डर लगा, हम तो आगे, हमने यहाँ से सीधा जाना है ऊपर, लेकिन ये इसकी वजह से और कुत्ते भी भौंकने लग गए, शायद आपको सुन रहा होगा। कम ऑन बॉय, कम ऑन, क्या बात है।
हम आधे रास्ते में तो पहुंच गए हैं, जंगल से भरा हुआ पूरा रास्ता अपना, ज्यादा दूर नहीं है वो सब। जस्ट पहुंच गया हूं मैं अपने घर अब। और यहां देखिए सेबों को, सेबों की रखवाली कर रहे, देखभाल कर रहे। यहाँ क्या आपने लगाया हुआ? ये जो सिंजर है आप, मिर्च, काली हरी मिर्च, मिर्चों को पानी दिया जा रहा है गाइस। देखिए सेब है, लेट वैरायटी का, लेट वैरायटी का, ठीक है भाई ना। ओके, मैं पहुंच गया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं घर पहुंच गया। ये देखिए नज़ारे, मौसम एकदम ही चेंज। दिन को जो मौसम था वो था बिल्कुल बढ़िया, एकदम धूप, अब देखो बादल आ गए। वो जा रहे घर अपने अपने, तो मैं भी चलता हूँ गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई थिंक सो आपने ये व्लॉग इंजॉय किया होगा, ये मेरा पहला व्लॉग था। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और भी आपको बहुत व्लॉग्स मिलते रहेंगे अब। ठीक है, बाय बाय गाइस।